नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच के घेरे में फंसे पश्चिम बंगाल के आईपीएस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार ने बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका पाए राजीव कुमार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की है। इसके साथ ही राजीव कुमार ने मामले की जांच कर रही सीबीआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव कुमार का कहना है कि सीबीआई ने उन्हें झूठे आरोपों के तहत मामले में फंसाया है। बता दें कि शारदा चिटफंड घोटाला मामले में राजीव कुमार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बार फिर से धरती कांपी है। पिछले 28 घंटे के अंदर द्वीप समूह में लगातार दो भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह अंडमान द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 की थी। इससे पहले कल तड़के निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में 4.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार भूकंप आते रहे हैं। आज सुबह मध्यम तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.8 रही। यह भूकंप सुबह 6:09 पर आया। हालांकि इस भूकंप से अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव के तहत 7 चरण के मतदान 19 मई को संपन्न हो गए हैं, लेकिन कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर हुए मतदान को रद्द कर दिया गया था। इन पोलिंग बूथ पर आज यानी बुधवार को एक बार फिर से मतदान हो रहा है। यह पुनर्मतदान उत्तर कोलकाता संसदीय क्षेत्र के पोलिंग बूथ नंबर 200 पर जारी है। वोटिंग शाम 6 तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए नेताओं की एक बैठक में ईवीएम पर विपक्ष द्वारा बनाए गए अनावश्यक विवाद पर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन ने अगले 5 के लिए अपना एजेंडा भी निर्धारित किया। राजनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक में, जिसमें 36 दलों ने भाग लिया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें देश के लिए 2019 के आम चुनाव को निर्णायक बताया गया और 2022 तक भारत को मजबूत, विकसित, समृद्ध और समावेशी बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की तुलना तीर्थ यात्रा से करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे जनता देश के पुनर्जागरण और राष्ट्रीय उत्थान के अभियान में योगदान देने के लिए कृत संकल्पित है और राष्ट्रीय उत्थान के अभियान में योगदान देने के लिए कृत संकल्पित थी। यह चुनाव केवल पार्टी ने ही नहीं बल्कि जनता ने भी लड़ा। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.